मधुबनी खेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाराही गांव में चल रहे बिग विन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पैसा दुकान .com के शाखा प्रबंधक एवं उनके कर्मियों का दबंगई का मामले सामने आया है, जिनके खिलाफ बासुपट्टी निवासी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष लाला जी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि मेरे पड़ोसी धर्मवीर भगत ने पैसा दुकान .com से 50,000 रुपये का लोन लिए हुए थे, जिसको सूद समेत वापस लौटा जाने की बाद भी बैंक के द्वारा अतिरिक्त रुपयों का मांग किया जा रहा था। इस मामले की जानकारी लेने जब हम सोमवार को उक्त बैंक पहुंचे तो उल्टे सीधे हिसाब बताकर हम दोनों के साथ अभद्र भाषा बोलने लगे। माना करने पर उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक प्रतीक गुरेश्वर अन्य कर्मियों के साथ मिलकर गाली गलौज करने लगे तथा बैंक में कार्यरत निजी गार्ड ने शाखा प्रबंधक के कहने पर मेरे सीने पर बंदूक तान दी और जान मारने की धमकी देने लगे। फिर लाठी से सिर पर मारकर घायल कर दी गई और मेरी पड़ोसी धर्मवीर को बंधक बनाकर सभी कर्मियों ने मारपीट की। इसी क्रम में मेरे जेब से 12,000 रुपये और बाइक भी छीन लिए गए। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर खेर थाना पहुंचे। वहीं बैंक प्रबंधक का आरोप है कि धर्मवीर भगत अपने साथी लाला जी को लेकर आए थे, वे महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर गार्ड ने उसे पकड़कर बैंक में बैठा लिए। इस बाबत थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरजी बिहार न्यूज के लिए मधुबनी से गोपाल राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, हमारी समस्या यह है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमारा जो पड़ोसी है धर्मवीर भगत, उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और उसके सहयोग के लिए हम सर जब बालाराही बैंक पैसा दुकान .com पे पहुँचे तो इनका सर पैसा दुकान .com जो बैंक है ये सर लोन प्रोवाइड करती है, तो इन्होंने सर लोन लिया था 50,000 रुपये का। इस दौरान इन्होंने सारा पैसा पैड किया और जो बीच में सर जो लॉकडाउन हुई थी फरवरी में, फरवरी तक इन्होंने पैसा दिया था, उसके बाद 3 महीने में सर इसका इंटरेस्ट जो था 12,500 इंटरेस्ट जोड़ा गया। तो ये सर मुझे बोले और इनके कि लाला जी आप अपने मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, आप हम चलिए थोड़ी सी जानकारी दिलवा दीजिएगा। तो बैंक का सर एक स्टाफ बासुपट्टी पहुंचा हुआ था, जिसे अब बात हुई तो वो बोले कि आप ब्रांच पे आइए और आप उनकी प्रोसीजर के बारे में जान लीजिएगा, जो एप्लीकेशन लिखना है चाहे मैनेजर से बात करनी है। इसकी जानकारी लेने के लिए सर कल हम 4 बजे के आसपास पहुँचे दोनों को ही, तो वहाँ पर सर जब जानकारी लेने गए तो वहाँ पर सर गार्ड के द्वारा और बैंक के पूरे कर्मचारियों को द्वारा और बैंक ऑनर के द्वारा जो है उनके द्वारा सर हम लोगों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और सर मेंटलिटी टॉर्चर किया गया, मोबाइल छीन लिया गया, बाइक छीन लिया गया और सर इसकी जानकारी सर हम थाना प्रभारी को रात में दिए, लेकिन सर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर आए हैं थाना प्रभारी के जो मुंशी जी के द्वारा सुबह सुबह 7 बजे हमारे घर से बुलाया गया है, फिर से दिए एप्लीकेशन दिए हैं और जो सर हमें लाठी से मारा गया है, पीछे चोट लगा सर उसकी सर अभी जा रहे हैं सर उमगाँव में, सर मेडिकल सर्टिफिकेट सर यहाँ पर जमा करेंगे, उसके बाद देखते हैं सर थाना प्रभारी उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं।